हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिफाली गिरदरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। अभी भी आप लोगों ने सुना होगा कि जीएसटी की फर्स्ट अरेस्ट हुई है, यानी कि पहली गिरफ्तारी जीएसटी की। तो काफ़ी लोगों को उससे टेंशन भी है, काफ़ी लोगों को पता नहीं कि अरेस्ट कब किया जा सकता है जीएसटी में। तो आज के अपने वीडियो में हम लोग जीएसटी में अरेस्ट के क्या प्रोविज़न है वही डिस्कस करेंगे। सेक्शन 69 सीजीएसटी एक्ट का कवर करता है अरेस्ट के प्रोविजंस को, और ये सेक्शन रेफर करता है सेक्शन 132 को, यानी कि किन कंडीशन में राइट होगा अरेस्ट करने का जीएसटी ऑफिसर को। और जीएसटी ऑफिसर को राइट आएगा जब कमिश्नर उनको ऑथराइज करेंगे अरेस्ट करने के लिए, और वो किस कंडीशन में कर सकते हैं। अब दो तरह के अरेस्ट हो सकते हैं, एक वो जो सीपीसी की नॉर्मल प्रोविज़न के थ्रू होंगे, और एक वो अरेस्ट जहाँ पे सीजीएसटी ऑफिसर को ही, एक जीएसटी ऑफिसर को ही आपको अरेस्ट करने का राइट होगा। यानी कि उनको हमेशा आपको अरेस्ट करने का राइट नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे उनको लगेगा कि आप एविडेंस डिस्ट्रॉय कर सकते हो, या रिवेन्यू का कोई बहुत बड़ा लीकेज हो सकता है, या आप कंट्री से बाहर भाग सकते हो, तो उस केस में और ये प्रोविज़न लॉ के अंदर डाला गया है कि जीएसटी ऑफिसर को भी अरेस्ट करने का राइट दे दिया गया है। तो हो सकता है जानबूझ के जो लोग गलती कर रहे हैं उनकी तो अलग बात है, लेकिन जो लोग इनएडवर्टेंटली ऐसी कोई मिस्टेक कर रहे हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि उनकी कौन सी मिस्टेक उनको अरेस्ट के लिए लाइबल कर सकती है। तो सबसे पहले एक बार देखते हैं कि सेक्शन 69 का प्रोविज़न क्या कहता है। तो ये सिंपली रेफर करता है कि जहाँ पे आप सेक्शन 132(1) के ABCD में से कोई भी डिफ़ॉल्ट कर रहे हो और आप उसके फर्स्ट और सेकंड केस में कवर हो रहे हो। मैं आपको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में अगर बताऊँ तो ABCD के जो 4 ऑफेंसेज हैं वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में, लेकिन फर्स्ट और सेकंड केसेस उसके क्या हैं, यानी कि आप इन ऑफेंस में से कोई ऑफेंस करते भी हो तो भी आप फर्स्ट केस था जहाँ पे आपका जो टैक्स का इवेजन है, यानी कि जो टैक्स की अमाउंट है वो 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, और सेकंड केस है जहाँ पे आपकी जो टैक्स इवेजन की अमाउंट है वो 2 करोड़ या 5 करोड़ के बीच में है, 2 से 5 करोड़ के बीच में है। तो अगर मैं इसको दोनों को कंबाइन रीडिंग करूँ तो 2 करोड़ से ज़्यादा जब आपके टैक्स इवेजन की अमाउंट होगी ABCD, यानी कि इन चारों में से किसी एक क्लॉज की वजह से सेक्शन 132 के, तब आपकी अरेस्ट डायरेक्टली GST ऑफिसर के थ्रू हो सकती है, यानी कि आपकी सीधी अरेस्ट की जा सकती है। तो एक बार वो चारों के चारों इंस्टेंसेस देख लेते हैं जो कि सेक्शन 132(1) में कवर किए गए हैं ABCD में या 2 में। तो 2 में रिपीटेड ऑफेंडर्स की बात की गई है, तो आप कोई भी ऑफेंस अगर रिपीट कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे कवर हो जाओगे, और अगर आप फर्स्ट टाइम ऑफेंस कर रहे हो तो अगर उसकी अमाउंट 2 करोड़ से ज़्यादा, और कौन कौन से ऑफेंसेज की बात की गई है वो एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ऑफेंस है इफ़ ए पर्सन सप्लाईज एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विदाउट इश्यूएंस ऑफ एनी इनवॉइस इन वायोलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर विद द इंटेंट टू इवेड टैक्स। एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्रोविजन का। तो जहाँ पे आप सप्लाई करते हो कोई भी गुड्स या सर्विसेज, दोनों में से कुछ भी सप्लाई करते हो विदाउट इश्यू ऑफ एनी इनवॉइस, तो हमें समझना है कि इनवॉइस इशू करना कितना इंपॉर्टेंट है GST में। यहाँ पे मैं प्रोविज़न भी आपको एक बार रिवाइज करा दूँ। GST में गुड्स को जब आप सप्लाई करते हैं तो इनवॉइस इशू करने का जो टाइम है वो गुड्स के मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले या उसके टाइम पे, यानी कि मूवमेंट जब स्टार्ट हो रहा है तब आप इनवॉइस रेज कर सकते हो। यानी कि जैसे ही आपने गुड्स को मूव किया अपनी फैक्ट्री से, वेयर हाउस से, शॉप से, या कहीं से भी जहाँ पे वो रखी हुई हैं, आपने वो आपका लास्ट टाइम होता है इनवॉइस रेज करने का, यानी कि मूवमेंट के टाइम पे ही आपको इनवॉइस रेज करना होगा। सर्विसेज के केस में आपको 30 डेज का टाइम दिया गया है, तो जो आपने सर्विसेज रेंडर कर दी आप 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस रेज कर सकते हो। साथ में कुछ ऐसे भी सर्विसेज और डिलीवरी या कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे आप मंथली भी इनवॉइस रेज कर सकते हो। तो जहाँ पे आपके एग्रीमेंट में लिखा है कि आपकी जो बिलिंग साइकिल है वो पीरियोडिकल चलेगी, तो मंथली के साथ में क्वार्टरली या ईयरली भी हो सकता है, तो जहाँ पे आपकी बिलिंग साइकिल आपके एग्रीमेंट के हिसाब से मंथली है या क्वार्टरली है, वहाँ पे आप मंथली और क्वार्टरली भी इनवॉइस रेज कर सकते हो। तो इनमें से जिसमें भी आपका केस फॉल कर रहा है, लॉगे प्रोविजंस के हिसाब से आपके लिए इनवॉइस रेज करना कंपलसरी है, तो अब आप इनवॉइस की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। साथ ही इस प्रोविज़न में एक और लाइन लिखी है विद द इंटेंशन टू इवेड टैक्स, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनवॉइस इशू नहीं करना अपने आप में ऑफेंस नहीं है, यानी कि सिर्फ इनवॉइस इशू नहीं करने के लिए आपकी अरेस्ट नहीं हो सकती, आपकी इंटेंशन इवेड करने की होनी चाहिए, टैक्स इवेड करने की। और वो यानी कि जो आपका कमिश्नर है या जो पर्सन आपको अरेस्ट कर रहे हैं उनके पास एक रीज़न होना चाहिए कि क्यों उनको ऐसा लगता है कि आप इवेड कर रहे हो टैक्स, तो वहाँ पे आपको अपनी बात रखने का भी मौका दिया जाएगा, और साथ में उनको आपकी इंटेंशन भी प्रूव करनी पड़ेगी दैट यू हैव मेंशनड कि आपकी इंटेंशन इवेड करने की थी टैक्स को। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ इनवॉइस इशू ना करना।
अलग चीज़ है, या उसको इस इंटेंशन के साथ इशू नहीं करना क्योंकि आपको इवेजन करना है टैक्स का। नेक्स्ट पॉइंट जो कवर करता है वो उसका जस्ट अपोजिट कवर करता है, यानी कि जहाँ पे आप इनवॉइस रेज करते हो लेकिन सप्लाई नहीं करते, तो जहाँ पे आप इशू करते हो एनी इनवॉइस और बिल विदाउट द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, और साथ में इट इज़ लीडिंग टू द रोंगफुल अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि आपने इनवॉइस रेज किया आपने डिलीवरी नहीं की। अब ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है क्योंकि मैंने गुड्स के केस में बोला कि आप पहले तो इनवॉइस रेज कर सकते हो, आपको मोमेंट पे या उससे पहले इनवॉइस रेज करना है, तो गुड्स की डिलीवरी के लिए कितने दिन का वेट किया जाए कि इनवॉइस रेज करने के बाद कितने दिन में डिलीवरी हो जानी चाहिए, ऐसी कोई लिमिट दी नहीं गई है लॉ में। तो सिर्फ इनवॉइस रेज कर देना अपने आप में ऑफेंस नहीं बनेगा, उसके साथ में रिजल्टेंट एक एक्टिविटी और होनी चाहिए कि उसके बेसिस पे क्रेडिट अवेल कर लिया या यूटिलाइज कर लिया किसी और ने। तो अगर मैंने इनवॉइस रेज कर दी और सप्लाई नहीं की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने इनवॉइस रेज कर दिया और उस इनवॉइस के बेसिस पे किसी और ने क्रेडिट भी अवेल कर लिया, वैसे भी आप देखोगे कि अगर उस इनवॉइस के बेसिस पे जहाँ पे कि सप्लाई नहीं हुई है कोई पर्सन अगर क्रेडिट अवेल करता है यूटिलाइज करता है तो वो अपने आप में भी गलत है, क्योंकि क्रेडिट की जो एलिजिबिलिटी है ITC एलिजिबिलिटी, वहाँ पे ये भी वन ऑफ द कंडीशंस है, चार कंडीशंस में से एक है कि आपको गुड्स या सर्विसेज की जो सप्लाई है वो रिसीव हो गई हो तभी आप उसका क्रेडिट ले सकते हो। तो यानी कि यहाँ पे प्रूफ हो जाता है कि आपकी जो विलफुल डिफॉल्ट है आपका और आपकी जो पर्पज़ है उस इनवॉइस को रेज करने की सिर्फ यही है कि आप सामने वाले को क्रेडिट दिला दो और उसके बाद आप ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर दो, या उस ट्रांजेक्शन को आप करोगे ही नहीं तो वो फेक ट्रांजेक्शन है। तो इसलिए दोनों चीज़ों को कंबाइन लिखा गया है, तो आपने इनवॉइस रेज कर दिया, सप्लाई नहीं की और साथ में दूसरे पर्सन ने उसके बेसिस पे क्रेडिट भी अवेल कर लिया। देन थर्ड इज अवेल्स इनपुट टैक्स क्रेडिट यूजिंग सच इनवॉइस और बिल रिफर टू इन क्लॉज बी, यानी कि ऊपर जिस बिल की या जिस इनवॉइस की मैंने बात की है जो ऊपर वाला क्लॉज है वो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो ऊपर वाले क्लॉज में जो अरेस्ट होगा वो सप्लायर का होगा, नीचे वाला जो पॉइंट है वो रिसिपियंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो रिसिपियंट को भी क्योंकि सप्लाई रिसीव नहीं हुई थी और फिर भी उसने उसके क्रेडिट को अवेल कर लिया यूटिलाइज कर लिया, यानी कि उसका भी विलफुल डिफॉल्ट है, तो जब आपको पता था कि आपको सप्लाई अभी रिसीव नहीं हुई है तो आपको एलिजिबिलिटी नहीं थी उस क्रेडिट को रिसीव करने की, तो यहाँ पे उसका भी अरेस्ट हो सकता है। तो सी पॉइंट जो है हमारा वो रिसिपियंट की बात करता है कि रिसिपियंट को भी अरेस्ट किया जा सकता है अगर उसने ऐसे फेक बिल के बेसिस पे कोई क्रेडिट अवेल किया या फिर यूटिलाइज किया। फोर्थ पॉइंट कवर करता है कलेक्ट्स एनी अमाउंट ऑफ टैक्स बट फेल्स टू पे द सेम टू द गवर्नमेंट बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच सच पेमेंट्स बिकम ड्यू। तो यानी कि आपने किसी से कोई टैक्स कलेक्ट कर लिया और साथ में आपने उसको पे नहीं किया और 3 महीने लैप्स हो गए वहाँ से, तो काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने टैक्स कलेक्ट तो कर लिया, अब ये आपके लिए जानना जरूरी है कि आपने रिटर्न फाइल नहीं की और आपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया, तो जो रिटर्न फाइलिंग की पेनल्टी है या लेट पेमेंट फीस है इंटरेस्ट है वो सब अलग है, लेकिन 3 महीने के बाद वो आपके लिए एक ऑफेंस बन जाएगा और उस ऑफेंस के लिए आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है अगर उनको लगेगा कि आपका विलफुल डिफॉल्ट है और उसकी अमाउंट ऑब्वियसली अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ कि जहाँ पर आपको ऑफेंस 5 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट है टैक्स इवेजन की वहाँ पे आपको 5 साल तक की जेल हो सकती है और फाइन, और जहाँ पे 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में वहाँ पे आपको 3 साल की जेल और फाइन हो सकती है, तो इन दोनों ही केसेस में आपको जेल भी हो सकती है। तो फाइनेंशियल ऑफेंस में आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके रूल्स हैं क्रेडिट अवेल करने के और साथ ही इनवॉइस रेज करने के, यहाँ वो पिक्चर में आ जाते हैं और यहाँ पे उनको समझना और उनको कंप्लाई करना हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आप कंप्लाई नहीं कर रहे तो आपको किसी ने इनवॉइस अगर रेज किया और आपने ध्यान नहीं रखा कि मुझे गुड्स रिसीव किए बिना इसको अवेल नहीं करना था क्रेडिट को और आपने वो क्रेडिट अवेल कर लिया, तो हो सकता है कि आपकी इंटेंशन नहीं रही हुई, आपको एक्चुअल में नहीं पता हो कि जो इनवॉइस है वो फेक रेज किया गया है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे अरेस्ट के लिए लाइबल हो सकते हैं, यानी कि आप ऑफेंस के लिए आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जो जेन्युइन ट्रेडर्स हैं, क्योंकि जो लोग जेन्युइन नहीं हैं उनको जनरली कॉन्सिक्वेंसेस पता होते हैं तो अपने कॉन्सिक्वेंसेस पता होने के बाद ही वो सब कर रहे हैं, बट जो जेन्युइन ट्रेडर्स हैं जो लोग कुछ भी फेक नहीं कर रहे हैं जो लोग एक्चुअल बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी गलती की वजह से वो किसी ऐसे केस में नहीं फंस जाएं जो उनकी इंटेंशन ना हो। साथ ही अरेस्ट होना कहीं ना कहीं बिज़नेस के लिए एक नेगेटिव फीलिंग देता है आपके खुद के बिज़नेस के लिए, आपके पूरे बिज़नेस सर्किल के लिए, आपके कस्टमर्स के लिए, तो इस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो GST के रूल्स हैं इनवॉइसिंग के लिए, GST के प्रोविज़न हैं ITC अवेल करने के लिए और यूटिलाइज करने के लिए, उनकी हम लोग बहुत अच्छे से टेक केयर करें। ITC यूटिलाइज़ करने के लिए, अवेल करने के लिए जो 4 बेसिक कंडीशन है उसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी पहले वल की एक वीडियो डाला हुआ है,
फिर भी मैं आपको बहुत ब्रीफ में वो बता देती हूँ कि आपको बस इनवॉइस यानी कि डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इनवॉइस के अलावा जो हमारे ITC के रूल्स हैं वहाँ पे और भी कुछ एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी लिस्ट दी गई है, जैसे बिल ऑफ एंट्री हो सकता है एलिजिबल डॉक्यूमेंट, आपका जो ISD डीलर का इन्वॉइस होता है वो भी एक एलिजिबल डॉक्यूमेंट होता है, जो आपने खुद इन्वॉइस बनाया होता है सेल्फ इन्वॉइस वो भी एक एलिजिबल डॉक्यूमेंट होता है। तो वो एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हमें ध्यान रखनी चाहिए वहाँ पे। साथ ही आपको गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो गई हो, आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दी हो और उसका जो टैक्स है उस टैक्स का पेमेंट आपके सप्लायर ने कर दिया यानी कि उसने भी अपनी रिटर्न फाइल कर दी हो, क्योंकि रिटर्न आपकी टैक्स पेमेंट के साथ ही फाइल हो सकती है। अच्छा, पहले GST में 3 रिटर्न्स थी, GST 1, 2, 3, लेकिन यहाँ पे अब क्योंकि 3 की जगह 3B है तो उसने अगर 3B भी फाइल कर दी टैक्स पेमेंट करके तो आप ये अज्यूम कर सकते हो कि टैक्स उसने पे कर दिया है। तो ये हमारे प्रोविजन थे अरेस्ट से रिलेटेड। इसी तरह के और प्रोविजन लेके हम आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।